तो इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। मिट्टी लगी हुई है इसके अंदर से साफ करना बताऊंगा मैं। उसके पहले आपको यहाँ 3 से 4 जगह कचरा पसा होता है, तो आपको बताऊंगा किस किस जगह पसा होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल राज बाइक डॉक्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, जो हमारा टंकी डॉक्टर होता है दोस्तों, इसके अंदर चारों तरफ नीचे के अंदर और इसके ढक के अंदर बहुत सारा कचरा आ जाता है, तो उस कचरे को हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं ढक के अंदर के वाले कचरे को। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाले इस कचरे को किस तरह साफ़ किया जाता है। अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो हमारे पेट्रोल अंदर जाएगा और हमारी दिक्कत करेगा और इस ढक्कन को जाम करेगा। चलो दोस्तों इसको साफ सफाई करते हैं। इसका साफ सफाई करने के लिए हम इसकी चाबी लेंगे, उसको ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ से ऊपर से साफ करेंगे इसको अच्छे से। इसके अंदर 3 से 4 जगह कचरा पसा होता है, तो आपको बताऊंगा किस किस जगह पसा होता है और उसको किस तरह से साफ़ किया जाता है। सबसे पहले देखिए इस जगह होती है यहाँ पर, इसके ऊपर होता है, इसके साइड में से करना अच्छे से साफ। आप देख रहे हैं कितने मिट्टी लगी हुई है। उसके बाद ढक्कन को ओपन करना दोस्तों। उसके बाद आप देख रहे इसके अंदर से साफ करना बताऊंगा मैं। उसके पहले आपको यहाँ इसके अंदर देख रहे हैं कि कितनी मिट्टी लगी हुई है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना हमें और ध्यान रखना है कि मिट्टी अंदर नहीं जानी चाहिए, अच्छे से साफ़ करना है कुछ इस तरह से। इसको विशेष ध्यान रखना दोस्तों, अंदर नहीं जानी चाहिए, अगर अंदर चली गई मिट्टी तो दिक्कत होगी हमारे पेट्रोल के अंदर और एक कार्टन में जाएगी फिर दिक्कत करेगी। दोस्तों एक कचरा एक कपड़ा लेके यहाँ पे इसको फंसा सकते हैं, फिर इसकी अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो मैं कपड़ा लेता हूँ, इसको यहाँ पर फंसाता हूँ। कपड़ा लेना आपको और कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना इसके, ताकि अंदर नहीं जाए मिट्टी। और इसके बाद इसके चारों तरफ से साफ सफाई करनी है। दोस्तों साफ सफाई होने के बाद कपड़े को हटा लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा ये ढक होता है हमारे टंकी का, जो ढक होता है इसके अंदर ही बहुत सी जगह मिट्टी फंसी होती है, तो सबसे पहले इसके चारों तरफ से ऐसे साफ़ कर लेना हमें। और इसके बाद इसके जो रबड़ देख रहे हैं आप, इस रबड़ को हटाएंगे हम ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसके चारों तरफ कितनी मिट्टी लगी हुई है, तो इसको अच्छे से साफ़ करना है चारों तरफ से। साफ़ करने के बाद आप देख रहे होंगे फ़र्क इसमें। तो इसको पीछे से अच्छे से मिट्टी इसकी साफ़ होनी है दोस्तों। बाद आप देख रहे हैं कि इस ढक की कितनी मिट्टी लगी हुई है चारों तरफ। गाइज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल की वीडियो तो देखते हो लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और सब्सक्राइब किया तो बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबा रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ लोग 1% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा दोस्तों, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 1% लोगों ने सब्सक्राइब रखा दोस्तों, ऐसा मत करिए मेरे साथ। तो इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। अंदर पेचकस डाल के अच्छे से सफाई करना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से अच्छे से इसकी साफ़ सफाई कर लेनी चारों तरफ से, जहाँ भी मिट्टी दिखे पेचकस की मदद से किसी भी ब्रश से आप साफ सफाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसके रबड़ है इसको हम वापस लगा देंगे अच्छे से, जैसे था पहले उसी तरह से इसको फिट कर देना वापस। दोस्तों इसको लगाने के लिए इस तरह से उल्टा पकड़ेंगे, ऐसे नहीं लगेगा, आप देखेंगे इस तरह से लगेगा ये, और ये जो बड़ा वाला होल है यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर, तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट करना है और उसके बाद इसको अंदर बैठा देना इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से। इस तरह से फिट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद वापस इसको लगा देना अच्छे से जैसे हमने खोला था वैसे ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।